वैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा आईपीएल 2024 के 12वें मैच को लेकर। ये मैच गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इस मैच की ग्रैंड लीग की टीमों को लेकर, कैसे आप इस मैच की ग्रैंड लीग की बेहतर से बेहतर फैंटेसी टीम बना सकते हैं, जिससे कम से कम आपकी एक टीम टॉप 10 में रैंक 1 पे जाए और आपको अच्छा खासा पैसा बिल करके ला के दे। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए जो मेगा ग्रैंड लीग खेलते हैं। जी हाँ दोस्तों, 3, 4, 5, 6 टीमें बनाते हैं और दोस्तों उनको कैसे टीमें बनानी चाहिए, क्या कॉम्बिनेशंस बनाने चाहिए, इस मैच में कैसे कॉम्बिनेशंस जो है रैंक कर सकते हैं, पिच के हिसाब से आपको किन प्लेयर्स को लेना है, किन प्लेयर्स को ड्रॉप करना है, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करूंगा। बस रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो पूरी देखनी है। अगर आपको मेगा ग्रैंड लीग विन करनी है, मेगा ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक लानी है, अच्छी टीम बनानी है, तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखना, थोड़ी सी भी वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर दोस्तों आप वीडियो को भगा भगा के देखते हैं या फिर दोस्तों आप स्किप करके फॉरवर्ड करके देखते हैं तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप इस वीडियो को भगा के फॉरवर्ड करके स्किप करके देखने वाले हो तो मैं कह रहा हूँ यहीं से आप वीडियो को ड्रॉप करके जा सकते हो, क्योंकि दोस्तों अगर वीडियो पे टाइम नहीं दोगे तो आप अच्छी टीम नहीं बना पाओगे। क्योंकि जो जानकारी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ, पूरे YouTube पे आप जाओगे कहीं पे भी कोई इस तरह से आपको मेगा ग्रैंड लीग की टीमें नहीं बताएंगे। सारे लोग स्टैट्स आपके साथ शेयर करेंगे, सारे लोग आपको टीम बता देंगे तो कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं सजेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो टीमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा उसमें दोस्तों मैं कैप्टन वाइस कैप्टन भी क्लियर करके बताऊँगा कैसे आपको कैप्टन वाइस कैप्टन में रोटेशन करना है। बस दोस्तों अगर आप पूरी वीडियो ध्यान से देखते हैं और समझते हैं तो आपसे बेहतर फैंटेसी टीम मेगा ग्रैंड लीग की टीम कोई नहीं बना पाएगा। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन को लेकर। उससे पहले दोस्तों पिच की बात कर लेते हैं। दोस्तों पिच जो रहने वाली है वो अहमदाबाद की पिच रहने वाली, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में मैच होगा। और दोस्तों वहाँ पे अगर हम पिच की बात करें तो दोस्तों हमेशा वहाँ पे पेसर्स को हेल्प मिलती है, स्पिनर्स वहाँ पे अच्छा नहीं कर पाते हैं। मैक्सिमम विकेट्स जो मिलते हैं वो दोस्तों पेसर्स को ही मिलते हैं। तो पूरा फोकस आपको किस पे रखना है, पेसर्स पे रखना है। मान लीजिए कोई स्पिनर विकेट लेगा भी तो कोई एक विकेट लेके जा सकता है, मुझे नहीं लगता कोई एक स्पिनर बंडल्स में यानी कि 2-3 विकेट लेके जाएगा। तो ज़्यादा फोकस कहाँ पर रखना, पेसर्स पर रखना है, बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और गुजरात टाइटन्स की टीम थोड़ी स्ट्रांग हो सकती है क्योंकि होम ग्राउंड पर वो अच्छा कर सकती है, ठीक है, और वैसे हमेशा होम ग्राउंड पर अच्छा करती है। तो ये जो चीज़ें ध्यान रखनी है पिच के बारे में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम विकेट कीपिंग सेक्शन को लेकर। तो हैनरिक क्लासन रिद्धिमान साहा की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ से मैं सिर्फ एक प्लेयर लेके चलूँगा। मैक्सिमम लोग दोनों प्लेयर्स को लेके चलेंगे और दोनों प्लेयर्स नहीं चलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हैनरिक क्लासन के परफॉर्मेंस आने के चांसेस हैं, मुझे नहीं लगता कि रिद्धिमान साहा की जो है परफॉर्मेंस इस मैच में आएगी, ठीक है। तो मैं रिद्धिमान साहा का जो है ड्रॉप करके चल रहा हूँ, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक विकेट कीपर किसको लेके चल रहा हूँ, हैनरिक क्लासन को। और मैक्सिमम लोगों की टीमों में कौन होंगे, दोनों विकेट कीपर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारी टीम में हैनरिक क्लासन होंगे। आगे दोस्तों ट्रैविस हेड हमारी टीम में कन्फर्म होंगे, अभी के लिए मैं बता रहा हूँ। आगे चलते हैं, मयंक अग्रवाल को मैं अपनी टीम में नहीं ले रहा हूँ। डेविड मिलर को मैं ट्राई कर सकता हूँ, जानते हो किसके, साई सुदर्शन की जगह, क्योंकि डेविड मिलर की अभी परफॉर्मेंस आई नहीं है। तो इस मैच में डेविड मिलर की परफॉर्मेंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो डेविड मिलर पर थोड़ा फोकस रखना। सुमन गिल की बात करें तो सुमन गिल इस मैच में मैं जरूर रखूंगा और दोस्तों दो टीमों में, कम से कम दो टीमों में मैं कैप्टन करूंगा, ठीक है। तो सुमन गिल इस मैच के लिए अच्छे प्लेयर है, बेहतरीन। कैन विलियमसन के बारे में अभी मेरे पास कोई अपडेट नहीं है कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे, आए हैं नहीं आएंगे, तो ये सारी चीज़ जो है मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। जो भी पता चलेगा कि कैन विलियमसन खेलेंगे तो कैसे आपको लेना है, कॉम्बिनेशंस में नहीं लेना है, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। राहुल त्रिपाठी नहीं खेले थे। साई सुदर्शन की बात करूँ तो साई सुदर्शन अगर आप सेफ टीम बना रहे स्मॉल लीग तो ले लेना, बाकी ग्रैंड लीग की आप 50% टीमों में जरूर ड्रॉप कर देना। अभिषेक शर्मा भी मैं इस मैच में नहीं ले रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, फ्लॉप होने के चांसेस हैं, अभिषेक शर्मा के इस मैच में फ्लॉप होने के चांसेस हैं। रिद्धिमान साहा, अभिषेक शर्मा, ये दो प्लेयर्स को अगर आप सारी टीमों में मेगा ग्रैंड लीग की ले रहे हो तो कभी आप विन नहीं करने वाला। विजय शंकर हैं, अब्दुल समंद हैं, बहुत ही रेयर, अगर 10-15 टीमें बना रहे हो तो एक टीम में ट्राई करना। उमर जई फिक्स कर लेना, ऐदन माक्रम फिक्स कर लेना, ये दो प्लेयर अपनी टीमों में फिक्स रखना, मतलब हर एक टीम में आपको मेगा ग्रैंड लीग की लेना ही लेना है। यहाँ से दोस्तों शहबाज अहमद एक आध टीम में ट्राई कर लेना, बाकी यहाँ से
राहुल तेवतिया मैं नहीं लेके चल रहा हूँ। बॉलिंग सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भुवनेश्वर कुमार की अगर बात करें तो लास्ट जो मैच खेला था इन्होंने इस टीम के गुजरात के अगेंस्ट 5 विकेट लिए थे, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों पैट कमिंस लास्ट मैच में 2 विकेट लेके आए। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मोहित शर्मा ने भी उस मैच में 4 विकेट लिए थे, मोहम्मद शामी ने 4 विकेट लिए थे। तो पेसर्स ने बहुत अच्छा करा था जो लास्ट मैच इन दोनों टीमों के बीच हुआ था। तो ध्यान रखना अच्छे खासे 9-9 यानी कि 18 विकेट गिरे थे जब इन दोनों टीमों ने हेड टू हेड मैच खेला था, तो 18 विकेट गिरे थे। उसमें पेसर्स जो थे वही कैप्टन वाइस कैप्टन जेल में, तो शुभमन गिल ने शतक लगाया था, 102 रन करे थे सुमन गिल ने, 102 रन करे। तो ये कुछ थी डिटेल। अब चलते हैं दोस्तों जो हमने टीमें बनाई उसको देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों स्मॉल लीग के जो कैप्टन वाइस कैप्टन हैं जो लोग खेलते हैं उनके लिए मैं सजेस्ट कर दूं, ग्रैंड लीग के जो बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं, और साथ ही साथ आपको ट्रंप प्लेयर भी मैं बताता चलता हूं कौन से प्लेयर ट्रंप हो सकते हैं। तो स्मॉल लीग में देखिए सबसे बेस्ट यहां पे रहेंगे अजमतुल्ला उमरजई, दूसरे दोस्तों शुभमन गिल त्राविसेड और हेनरिक क्लासेन, ये सबसे अच्छे ऑप्शन है स्मॉल लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन के। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग में आपको कैसे रोटेशन करना। ग्रैंड लीग में दोस्तों एक मैं यहाँ पे ऑप्शन आपको दे देता हूँ, मयंक अग्रवाल को आप ट्राई कर लेना अपनी टीमों में। दूसरे दोस्तों मोहित शर्मा आपकी टीम में, भुवनेश्वर कुमार को भी ट्राई कर लेना, और यहाँ से स्पेंसर जॉनसन जिन पे लोगों का फोकस नहीं लेकिन अच्छे बॉलर हैं, इन प्लेयर्स को आप ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करना, और खासकर बॉलर्स में इनको जरूर ट्राई करना, बेस्ट रहेंगे। अब दोस्तों दो ट्रंप प्लेयर्स मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं। एक है दोस्तों यहां से मैं भुवनेश्वर कुमार, और दूसरे ट्रंप प्लेयर मैं यहां पे आपको बता देता हूं स्पेंसर जॉनसन। ये दोस्तों दो आज के मैच के सबसे बेहतर ट्रंप प्लेयर हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों इन पर थोड़ा अलग से आप फोकस रखना, इनकी परफॉर्मेंस आने के हाई चांसेस है, लगभग दोस्तों 80% चांसेस हैं ये दोनों प्लेयर्स इस मैच में परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है। तो ये कुछ हो गए डिटेल, इससे आपको हेल्प मिलेगी अपनी टीम बनाने में। तो जो सबसे पहली हमने टीम बनाई है, इस टीम को आप एक स्मॉल लीग की टीम की तरह भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ हमने क्या करा, रिजवान शाह को ड्रॉप करा, हाई सिलेक्शन प्लेयर है रिजवान शाह उनको ड्रॉप करा, दूसरा प्लेयर हमने अभिषेक शर्मा ड्रॉप करा, ठीक है। दो हाई सिलेक्शन प्लेयर्स को ड्रॉप करें, लो सिलेक्शन प्लेयर कौन से, स्पेंसर जॉनसन थोड़ा लो सिलेक्शन है, भुवनेश्वर कुमार थोड़ा लो सिलेक्शन है, तो उनकी जगह पे दो लो सिलेक्शन हमने अपनी टीम में रखे। लगभग दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन हमने जो आपको सजेस्ट करे वही बनाए, उमरजई बनाए और यहाँ पे शुभमन गिल बनाए। तो ये दोस्तों एक मेगा ग्रैंडली की टीम की तरह इस टीम को आप यूज़ कर सकते हैं, और दोस्तों ये टीम बहुत ज़्यादा रिस्की भी नहीं है। सिर्फ दो रिस्की हम प्लेयर हमने रखे हैं, स्पेंसर जॉनसन भुवनेश्वर कुमार, और दो हाई सिलेक्शन प्लेयर्स को ड्रॉप करा, अभिषेक शर्मा और रिद्धिमान साहब। तो ये हमारी एक मेगा ग्रैंडली की टीम हो गई जिसमें कैप्टन रहेंगे उमरजई, वाइस कैप्टन यहाँ पे शुभमन गिल रहेंगे, ठीक है। तो ये एक टीम हो गई। अगली टीम जो है वो हम देख लेते हैं। अगली जो टीम मैंने बनाई है उसमें दोस्तों देखिए अजमतुल्ला उमरजई को अगर हम देखते हैं, यहाँ से देखिए, ठीक है, अजमतुल्ला उमरजई को अगर हम देखेंगे तो बहुत कम लोग कैप्टन कर रहे हैं, देखिए 6% लोग कैप्टन कर रहे हैं, बाकी भुवनेश्वर कुमार को तो लिया ही बहुत कम लोगों ने अपनी टीम में। तो ये हमारे पास अच्छा मौका है, अजमतुल्ला उमरजई को हम अपनी टीम में कैप्टन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा लोग करेंगे सुमन गिल को कैप्टन, ज़्यादा लोग किसको करेंगे, हेनरिक क्लासेन को करेंगे, और दोस्तों बहुत ज़्यादा लोग त्राविस हेड को करेंगे। त्राविस हेड एक बार हिटिंग करते हुए अगर फ्लॉप होते हैं, अभिषेक शर्मा अगर फ्लॉप होते हैं, यहाँ से दोस्तों रिजवान शाह, तीन प्लेयर्स हमने निकाले जो कि दोस्तों इस मैच के फ्लॉप प्लेयर हो सकते हैं, तीनों को हमने ड्रॉप करा। फिर उसके बाद अगर मयंक अग्रवाल की परफॉर्मेंस, चार मैंने साई सुदर्शन को भी इस टीम में ड्रॉप करा, तो चार बड़े रिस्क लिए हैं साई सुदर्शन, रिजवान शाह, अभिषेक शर्मा और त्राविस हेड, ठीक है। उनकी जगह पे जो प्लेयर्स ट्राई करें वो है डेविड मिलर, वो है मयंक अग्रवाल, वो है दोस्तों स्पेंसर जॉनसन, वो है भुवनेश्वर कुमार, चार हाई सिलेक्शन प्लेयर्स को ड्रॉप करके जो हमने चार लो सिलेक्शन प्लेयर्स अपनी टीम में रखे हैं वो दोस्तों ये प्लेयर हैं, और ये प्लेयर्स के हाई चांसेस हैं इस मैच में परफॉर्मेंस करने के, ठीक है। और कैप्टन उमरजई के कैप्टन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस, क्योंकि 3 ओवर कर रहे हैं, पूरे 4 ओवर कर सकते हैं, और यहाँ पे खास कर मैं बता दूँ, ठीक है, मोहम्मद शामी ने 4 विकेट लिए थे। तो दोस्तों शुरुआत में ये बॉलिंग करते हैं मोहम्मद शामी, शुरुआत में और डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं, वही काम अजमतुल्ला उमरजई कर सकते हैं, तो इनके भी 3-4 विकेट इस मैच में आ सकते हैं, बंडल्स में विकेट आ सकते हैं, और बैटिंग भी 4 नंबर पर अगर करते हैं तो अच्छी बैटिंग करते हैं, तगड़ी बैटिंग करते हैं,
तो यार ये कैप्टन बनने के इनके चांसेस ज़्यादा है। अब भुवनेश्वर कुमार अगर मान लीजिए शुरुआती, देखिए हमने यहाँ पे किसको ड्रॉप करा, रिद्धिमान शाह, साई सुदर्शन को ड्रॉप करा, अब अगर वो दोनों प्लेयर्स आउट होंगे तो उनके विकेट कौन लेके जा सकता है, भुवनेश्वर कुमार। इसीलिए हमने क्या करा, उन प्लेयर्स को ड्रॉप करके वाइस कैप्टन किसे करा, भुवनेश्वर कुमार को। ये सारी टीमें जो हैं वो लॉजिकली हैं और रैंक करने के चांसेस इन टीमों के ज़्यादा हैं, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हैं एक अपनी मेगा ग्रैंड लीग की टीमों में। जी हाँ दोस्तों, बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब दोस्तों देख लेते हैं अगला कॉम्बिनेशन जो मैंने बनाया मेगा ग्रैंड लीग का। देखिए मैंने पहले ही बता दिया यहाँ पे जो है पेसर्स अच्छा करेंगे, पेस बॉलर्स अच्छा करेंगे। अब दोस्तों मैंने रिद्धिमान शाह को ड्रॉप करा, लेकिन हर एक टीम में तो नहीं ड्रॉप कर सकते ना, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रिद्धिमान शाह को भी ले लिया, यहाँ पे ट्रैविस हेड को भी ले लिया। ये प्लेयर हमने साई सारे ठीक ठाक प्लेयर ले लिया, मतलब हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर्स ही, यहाँ पे भी हाई सिलेक्शन। यहाँ पे हमने क्या करा, हमने कैप्टन वाइस कैप्टन में रिस्क ले लिया, ठीक है। हमने दोस्तों लगभग सेफ प्लेयर लिए, लेकिन दोस्तों हमने रिस्क कहाँ ले लिया, रिस्क ले लिया कैप्टन वाइस कैप्टन में। स्पेंसर जॉनसन तगड़े बॉलर है, बहुत तगड़े बॉलर है, बंडल्स में विकेट लाते हैं, 3 विकेट 4 विकेट, लेकिन इन्होंने अभी तक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, तभी किसी का फोकस नहीं है। और ये दोस्तों आपके लिए अच्छी बात है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपके पास मौका है और आप मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप स्पेंसर जॉनसन को कैप्टन जरूर करना, क्योंकि ये 3-4 विकेट लेके जा सकते हैं। वही बात दोस्तों पैट कमिंस, जिनके चांसेस हैं कि 2 या 3 विकेट ले सकते हैं। अब दोस्तों स्पॉन्सर जॉनसन, आशीष खान, मोहित शर्मा, अजमतुल्ला उमर, इनको अगर विकेट्स मिलेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी चांसेस है कि पैट कमिंस तक बैटिंग भी आ सकती है। अब यार पैट कमिंस ने अगर 30-35 रन्स भी कर दिए तो यार बहुत अच्छी हमारी टीम इस तरह की रैंक कर सकती है, जिसमें हमने स्पेंसर जॉनसन को कैप्टन किया है। वाइस कैप्टन किसे किया, वाइस कैप्टन हमने यहाँ पे करा है पैट कमिंस को। तो ये हमारी एक बेस्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट टीम हो सकती है, रैंक करने वाली टीम हो सकती है। नेक्स्ट जो टीम है उसको हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। अगली जो टीम मैंने बना के रखी वो कॉम्बिनेशन कैसा रहने वाला है। देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, साई सुदर्शन पहले बैटिंग करते हैं, उनके दो प्लेयर्स मान लीजिए फ्लॉप रहते हैं, दोनों ओपनर्स फ्लॉप रहते हैं, कई बार दोनों ओपनर्स फ्लॉप हो जाते हैं, तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार है, जो कि मुझे पता है शुरुआत में बॉलिंग करेंगे, तो वो विकेट दोनों ओपनर्स को भुवनेश्वर कुमार लेके जा सकते हैं। फिर दोस्तों अगर दोनों ओपनर्स फ्लॉप हो सकते हैं तो ये दोस्तों लेफ्ट हैंडर जो कि तगड़े प्लेयर हैं, बड़ी इनिंग खेलते दिख सकते हैं, हमने कैप्टन कर दिया। और ये वाला कॉम्बिनेशन जो है, ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर होता है, जिसमें दोस्तों हम एक बॉलर के साथ एक टॉप ऑर्डर के बैटर को कैप्टन वाइस कैप्टन करते हैं। ये बॉलर लॉजिकली कॉम्बिनेशन T20 में IPL में सबसे ज़्यादा वर्क करता है, सबसे ज़्यादा बार आपको इसी तरीके के कैप्टन वाइस कैप्टन आपको दिख जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन जो हम अपनी टीमों में ट्राई करेंगे वो यही ट्राई करेंगे, क्योंकि जब हम ड्रीम टीम देखते हैं उसमें जब कैप्टन वाइस कैप्टन देखते हैं तो क्या होता है, एक बॉलर के साथ टॉप ऑर्डर का बैटर होता है, ठीक है, और बॉलर मैक्सिमम डेथ बॉलर होता है, यहाँ पे बैटर जो होता है वो टॉप ऑर्डर का होता है। तो ये कॉम्बिनेशन बेस्ट हो सकता है, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन पे आप कम से कम 2 या 3 टीमें बनाना, और खासकर जो टीम पहले बॉलिंग कर रही उसके डेथ बॉलर को आप क्या करना, वाइस कैप्टन करना, उसी टीम के टॉप ऑर्डर के ओपनर्स में से किसी को कर सकते हैं या फिर 3 नंबर तक, ठीक है, कैप्टन कर सकते हैं। तो ये आप कॉम्बिनेशन जरूर बनाना, ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगला जो कॉम्बिनेशन है, नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं इसी लॉजिक पे, ठीक है, वो भी कॉम्बिनेशन हमने इसी लॉजिक पे बनाया। अब मान लीजिए हैदराबाद की टीम पहले बॉलिंग करे, हमने दोस्तों यहाँ पे क्या करा, हमने भुवनेश्वर कुमार को वाइस कैप्टन कर दिया, ट्रैविस हेड को कैप्टन। भुवनेश्वर कुमार हो सकता है अच्छे खासे विकेट लेते दिखें, लास्ट मैच जब हेड टू हेड में हुआ था 5 विकेट लिए थे, हो सकता है इस मैच में 3 विकेट या 4 विकेट इनके आए। अब दोस्तों चेंज करते हो, ट्रैविस हेड की अच्छी इनिंग आ जाए, तो जिस टीम के आप डेथ बॉलर को वाइस कैप्टन कर रहे हैं उसी टीम के आपको ओपनर को कैप्टन करना है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है, और सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन रैंक करेगा, ये वाला कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन को आपको जरूर ट्राई करना, खासकर अगर हैदराबाद की टीम पहले बॉलिंग करे तो ये कॉम्बिनेशन आपका रैंक कर सकता है। यहाँ पे हमारे लो सिलेक्शन वाले प्लेयर्स में यहाँ पे जयदेव नाटकर है। मैक्सिमम टीमों में हमने अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करा, लेकिन इस टीम में हमने अभिषेक शर्मा को अपनी टीम में रख लिया है। हो सकता है टॉप ऑर्डर से स्कोर चेंज हो, उसमें ये भी थोड़ी हिटिंग कर जाए, 30-35 रन्स कर दे। तो एक इस तरह की टीम, इस तरह का कॉम्बिनेशन बेस्ट हो सकता है, रैंक करने वाला हो सकता है, आप ट्राई कर सकते हैं। जब यहाँ पे पहले बॉलिंग करती है हैदराबाद की टीम, बाद में बैटिंग करती है। अगला जो कॉम्बिनेशन हमने बनाया हुआ है, नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन बनाया उसको आप देख सकते हैं।
उसमें हमने क्या करा, उसमें दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, पहले बोलिंग इस कॉम्बिनेशन को आपको समझना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपने टीम देख ली और उसको स्क्रीन शॉट कर लिया, कॉपी पेस्ट करके आपने लगा दी, दोस्तों कभी आपकी रैंक बेहतर नहीं आएगी, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे आप समझेंगे उसको यूज करेंगे, उससे जो आपकी टीम बनेगी बहुत बेहतर टीम बनेगी, बहुत अच्छी टीम बनेगी। और इन टीमों को अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको पता है बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप सारे लोगों के साथ आप भी टीम को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है अगर ये टीम विन भी कर जाए तो आप जान जाएंगे 100-200 टीमें मेगा ग्रैंड लीग में इस तरह की हो सकती है, क्लेश हो सकता है। तो क्या करना, एक तो चेंजेस अपने खुद से करो, समझो फिर खुद से टीम बनाओ। अगर समझोगे खुद से टीम बनाओगे तो आपकी टीम बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मान लीजिए गुजरात पहले बॉलिंग कर रही, राशिद खान को हमने वाइस कैप्टन, सुमन गिल को कैप्टन, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा, एक हमने कॉम्बिनेशन आपको समझाया कि कैसे कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, कब किसे बनाना है। जो टीम पहले बॉलिंग कर रही उसके डेथ बॉलर जैसे मोहित शर्मा को यहाँ पे आप वाइस कैप्टन और सुमन गिल को कैप्टन, राशिद खान को हमने करा वाइस कैप्टन, सुमन गिल को कैप्टन। आप क्या करें, स्पेंसर जॉनसन को वाइस कैप्टन, हो सकता है रिद्वान शाह तगड़ा खेले, रिद्वान शाह को कैप्टन। तो इस तरह से आप अपने ग्रैली के कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, बहुत बेहतर आपके कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ये दोस्तों हमारा कुछ ग्रैली के हमने आपको 5-6 कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बताया, ठीक है। और कोशिश करी अपना पूरा 100% दिया आपको समझाने का कि किस तरह से आपको इस मैच के अपने मेगा ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस, मेगा ग्रैंड लीग की टीम्स बनानी है। बाकी दोस्तों मेरी जो फाइनल टीम्स होंगी, फाइनल ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस होंगे, जी हाँ दोस्तों, जो 6 कॉम्बिनेशन 6 टीमें मैं बनाऊंगा, उसमें से 1, 2, 3 जो मुझे बेस्ट लगेंगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर डालूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सभी लोग जाओ फटाफट से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लेना, और कमेंट करके बताना क्या इस तरह की वीडियो से आपको टीम बनाने में हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है। थैंक यू, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।